बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तमाम फाटा, एक्स फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का बिलउमूम, और ये स्टूडेंट्स, ये हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सब का बिलखसूस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का रिस्पेक्ट देने का, आप लोगों के प्यार मोहब्बत का, जो आज आप लोग हमारे पास आए हैं और आप लोगों ने हमारी सर्विसेज को इंडोर्स किया है। Really, we are thankful with the core of our heart. Thank you. अच्छा, आज ये जो कोर कमेटी कहते हैं आप लोग, और यहाँ पर तमाम डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो ये लोग कुछ पॉइंट लेकर आए हैं ताकि इन तमाम पॉइंट्स के लिए हम वे फॉरवर्ड डिवेलप कर सके, क्योंकि इन लोगों से बहुत सारे वालिदैन और स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये लोग जो एजेंडा लेकर आए हैं, इन लोगों के साथ पहले डिस्कस किया गया, इनकी के साथ मुशावरत की गई, और इन लोग जो चीज़ पर एग्री हो चुके हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, हमारी ख्वाहिश है, हम प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब, उसके जो सर्विसेज है, उसका जो खलूस है, वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सर, आप जैसे लीडर हमारे एक्स फाटा और बलूचिस्तान को अता करें, क्योंकि आप लोगों की ताउन से, आप लोगों की मेहनत से, ये जो डिप्रीव पीपल है एक्स फाटा और बलूचिस्तान के, इसकी काफ़ी सारी महरूमियाँ हम दूर कर सकते हैं। तो सर, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सर्विसेज दैट यू हैव डिलीवर्ड फ्रॉम द लास्ट ऑफ 4 ईयर्स, और हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको एक ऐसी पार्टी अरेंज कर सकें जो कम से कम आपकी शान के मुताबिक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि ये जो मध्य डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं, वालिदैन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवन बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, इस पर हमारी डिस्कशन हो चुकी है, और मैं इस सेशन में तमाम स्टूडेंट के साथ, चाहे वो पहले सेशन के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं पिछले 2-3 सालों से, या इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करें, अपने बुजुर्गों की, अपने पॉलिटिशियन की, अपने मशरान की, अपने मलकार की, अपने तमाम मकातिब फिगर लोगों की, और आप लोगों के साथ ये कोर कमेटी जो बन रही है, बन चुकी है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम मकातिब फिगर के लोगों के साथ ये लोग रबते करेंगे, आप लोगों से इंश्योर करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला सारा डेटा कलेक्ट करके हम सर मिर्ज़ा फरीद के ऑफिस जाएंगे, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे, और फिर आप लोगों को वहां से अनाउंस किया जाएगा डेट, वेन्यू, कब करना है, कहां पर करना है और किस तरह करना है। तो मैं उम्मीद रखता हूं आप तमाम स्टूडेंट से, इस साल के नहीं, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस के तहत वो बेनिफिशियरी बन चुके हैं, कि आप लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन प्ले करेंगे, ठीक है। सेकेंड, अक्सर स्टूडेंट्स इन लोगों से पूछते हैं, इसके वालिदैन पूछते हैं 500 सीट्स का क्या हुआ। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वी हैव अचीव्ड आवर गोल, बट इंशाल्लाह ताला वी विल अचीव आवर गोल। इस सिलसिले में लेटर हो चुके हैं, पीएमडीसी की जो कौंसिल है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसको काफ़ी हद तक हमने कन्वेंस किया हुआ है विद द रेफरेंस, विद द कोऑपरेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब। इस पर 2 मीटिंग भी हो चुके हैं, लेकिन एज पर दियर कमेंट्स के 333 की लेटर फॉर रिकन्फर्मेशन हम भेज चुके हैं, ऑलरेडी आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर किए जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इसको आप लोग कन्फर्म कर ले, फिर जो 167 सीट बचते हैं, इसका हम नेक्स्ट जो कौंसिल की मीटिंग होगी, और इसको वो लोग कोरिलेट कर रहे हैं विद द इंस्पेक्शन टीम रिपोर्ट्स। तो वो लोग कह रहे हैं कि जब डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटी और तमाम मेडिकल कॉलेजेस के सिंडिकेट के साथ जब वो मीटिंग करेंगे, अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ इस एजेंडा पे भी एग्री हो जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हम आप लोगों के साथ कोई ऐसी टेंजेबल चीज शेयर नहीं कर सकते जो हम आप लोगों को एक श्योरिटी की शक्ल में बता सके कि हाँ, वी हैव अचीव्ड आवर गोल, बट बी होपफुल वी विल अचीव आवर गोल इंशाल्लाह। थर्ड पॉइंट, ये 333 स्टूडेंट पूछ रहे हैं ईमेल का, तो हमारी बात हुई है ईटीसी के जिम्मेदार अफसरान के साथ, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तक तमाम प्रोविंसेस के हेल्थ सेक्रेटरीज एडमिटी यूनिवर्सिटी के जो 333 के लेटर हुए हैं, इसकी कन्फर्मेशन हमें नहीं मिलती है, तब तक हम वो डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं जो हम भी एग्री करते हैं उसके साथ, और वो आप लोगों की जो फ्यूचर है उसके लिए बेहतर है।
तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जब हमें वो रिसीव हो जाएंगे तो विद इन 4 working days हम आप लोगों को ईमेल सेंड कर देंगे। तो वो भी इन प्रोसेस है और वी आर होपफुल कि बहुत जल्द वो रिकन्फर्मेशन के लेटर आ जाएंगे। इसमें एक पॉइंट ये लोग भी हमने प्लान किया हुआ है कि ये जो दी देन प्राइम मिनिस्टर है, कुछ लोग कुछ साथी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट मिल चुके हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं आ जाओ, कल में उसकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि हमारी कोशिश ये भी है कि अगर हमने उसको कन्वेंस किया, वो भी और चेयरमैन सेनेट भी इसमें अपना जो कुछ दिन रह रहे हैं वो अपना एक्टिव रोल इसमें प्ले कर सके। टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो चीज़ें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को वो दे रहे हैं, उसका भी कोटा है, हमारा भी कोटा है। इस तरह किंग एडवर्ड हो गया, फातिमा जीना हो गया, सच लाइक ऑफ दैट मेडिकल कॉलेजेस है जो हमें वो सीट नहीं दे रहे हैं, तो उसकी बात भी मिर्जा साहब की PMDC की अथॉरिटीज़ के साथ और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ, इवन वहाँ की जो कंसर्न सिंडिकेट है उसके साथ बात हुई है, तो उन लोगों ने ग्रीन सिग्नल दी हुई है। मिर्जा साहब ने हमसे डेटा वो किया था कि डिमांड किया था, इन स्टूडेंट ने उस डेटा को रिकनसाइल किया है, उसकी स्टेटिस्टिक मिर्जा साहब के साथ शेयर किया है और आगे उसने वो डेटा शेयर किया हुआ है PMDC के साथ और PMDC ने आगे वो डेटा एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ शेयर किया हुआ है। तो वी आर होपफुल कि ये चीज़ भी इस साल हम अचीव करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग नजरीन व्यूअर आप लोग भी इसमें अपना रोल प्ले करें। वो जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली आ जाए, बट डिफरेंट टेक्टिक्स से इस कमेटी के इन नौजवानों के आप लोग साइड बाय साइड शोल्डर टू शोल्डर आप लोग इसका साथ देते रहेगा, हम आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, एक ये है कि अभी की व्यू भी ये ख्वाहिश रखती है और तमाम जो जिसका डोमेन है GCPMDC के जो एमडीकेट के थ्रू ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है, उन स्टूडेंट से ये हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल आप लोग अपने कंसर्न कॉलेजेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि इस सिलसिले में एक लेटर भी इशू हो चुका है HEC के साइड से KMU और बुलार को कि आप लोग हमारे डेटा शेयर करें। तो हम आप लोगों को और कुछ नहीं कह सकते एज पर रूल, बट एक सजेशन दे सकते हैं और हमारी सजेशन ये है कि ऐसा ना हो कि आप लोग अच्छे की तलाश में आपने जो ऑलरेडी अवेल किया वो चीज़ है उसमें भी फ्यूचर में कोई क्यूरी आ जाए। तो हमारी सजेशन है, आगे आप लोगों की मर्जी है कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने सीट्स को अपने कॉलेजेस को ज्वाइन करें और ये जो HEC का प्रोसेस है इसमें जो लिस्ट बन रही है ना इसको वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इट्स आवर सजेशन। इसके अलावा अगर इन साथियों में से कोई मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इट्स आवर ड्यूटी। पर Assalamualaikum, my name is Farhan Afridi और मैं खैबर से बिलोंग करता हूँ। सब ने जो बातें आप लोग साथ शेयर की तो ये सारी कोर कमेटी इस पर मुतफिक है और हम चाहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सीनेट को एक प्रॉपर प्रोग्राम पेश करे और जो इसकी शान के मुताबिक हो और जिसमें सारे सीनियर्स मौजूद हों, तमाम डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो बार काउंसिल से वकील हो या मीडिया मेम्बरानस हो या कोई दूसरे सीनियर्स हो। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग इस तरह के लोगों को जानते हैं और चाहते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी सर की वो हम एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करें तो प्लीज़ आप लोग कमेटी मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। हर एजेंसी की अपने अपने वो कमेटी बनेगी और उस हेड के साथ आप लोग कांटेक्ट में रहें और साथ में जो भी अरेंजमेंट्स हैं उसमें आप लोग उनके साथ हेल्प करें। थैंक यू। मैं तो बज़ात खुद और तमाम स्टूडेंट की तरफ से सर मामूल जान दाउड़ का बहुत मशहूर हूँ, जिस तरह हमेशा की तरह हमें सपोर्ट भी किया है और शोल्डर हमारे साथ खड़े भी हो गए और आज इतना ज़्यादा वक्त भी दे दिया, तो हम इसका बहुत मशहूर है। तमाम फाट और बलूचिस्तान स्टूडेंट हम सर मामूल जान दाउड़ का बहुत मशहूर है। हम तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ अप्रिशिएशन के लिए हमने थोड़ा सा प्रोग्राम अरेंज किया था, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं सर के साथ होगी और अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और तमाम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान स्टूडेंट से यही अपील है कि जिस तरह सारी बातें सर ने एक्सप्लेन कर दी तो इसमें हमारे साथ खड़े हो जाए और इंशाल्लाह हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।